महर्षि वाल्मीकि का जीवन परिचय। महर्षि वाल्मीकि के जन्म की सही तारीख और समय अज्ञात है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो 500 BC के आसपास रहे थे। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। इनका जन्म भारत में हुआ था। आदि कवि के नाम से प्रसिद्ध है। इनके माता का नाम शर्षनी और पिता का नाम सुमाली था। कहानी यह है कि महर्षि वाल्मीकि अपने वनवास के दौरान भगवान राम से मिले थे। भगवान राम द्वारा अयोध्या के राज्य से निर्वासित करने और उन्हें आश्रय प्रदान करने के बाद उन्होंने सीता को भी बचाया। उन्हीं के आश्रम में उन्होंने जुड़वा बच्चों लव और कुश को जन्म दिया था। उनके बचपन के दौरान महान ऋषि उनके प्रशिक्षक बन गए और उन्हें रामायण सिखाई, जिसमें 24,000 श्लोक और 7 सर्ग कांड शामिल है। एक और लोकप्रिय धारणा है कि वाल्मीकि अपने प्रारंभिक वर्षों में रत्नाकर नामक एक राजमार्ग डाकू थे। वो नारद मुनि से मिलने के दिन तक लोगों को लूटता और मारता था, जिसने उसे भगवान राम के उत्साही भक्त में बदल दिया। वर्षों तक ध्यान करने के बाद एक दिव्य वाणी ने उनकी तपस्या को सफल घोषित किया और उन्हें वाल्मीकि नाम दिया। बाद में उन्हें संस्कृत साहित्य के पहले कवि होने के कारण आदि कवि के रूप में सम्मानित किया गया। उनके कार्यों, विशेष रूप से महान महाकाव्य को आज तक हिंदू भक्तों द्वारा पढ़ा जाता है। इनकी रचनाएं जैसे रामायण,